आज हम बनाएंगे सूजी का मज़ेदार ढोकला, जो कि ना केवल खाने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा, और हम इसे बना करके तैयार कर लेंगे सिर्फ 15 मिनट में। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत स्वागत है। तो भाई, आज हम बना रहे हैं सूजी से एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार है, यानी सूजी का ढोकला। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी सूजी, और इसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच दही, और फिर हम ऐड करेंगे 1 छोटी कटी हुई शिमला मिर्च और 1 छोटा कटा हुआ गाजर, और साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा, और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ ही में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सब्जी मसाला, 1/4 चम्मच किचन किंग। और अब हम यहाँ पर लेंगे 1 ग्लास पानी, और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पानी ऐड करते जाएंगे, और एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैटर हम तैयार कर लेंगे। पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 कटोरी सूजी, और 1 ग्लास मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी, तो मैं 1 ग्लास पानी पूरा डालूंगी 1 कटोरी सूजी में। तो जो कटोरी का नाप है ना, वो भी लगभग ग्लास के ही बराबर है, यानी 1 ग्लास यहाँ पर सूजी है तो लगभग 1 ग्लास हम पानी यहाँ पर डालेंगे, इससे कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं। और अब हम यहाँ पर अच्छे से इसे घोल को कर लेंगे तैयार, यानी इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जो हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है और खाने वाला सोडा डाला है ना, वो अच्छे से एक्टिवेट हो, और बहुत ही अच्छे से हमारा बैटर यहाँ पर अब घुल चुका है। तो हम क्या करेंगे ना, देखिए कितना अच्छा घुल गया ना, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो गया है। हम इसे अब ढक कर के रख देंगे नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, 5 मिनट काफ़ी है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पर नेक्स्ट 5 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। और अब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर बहुत अच्छे से फूल चुका है, क्योंकि जो सूजी है ना, बहुत ज़्यादा इसको देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों भला अपना समय बर्बाद करें। तो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से हमारा क्रीमी टेक्सचर जो है ना तैयार हो गया है ना, सूजी का बैटर कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही परफेक्ट है। अब हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बार में यहाँ पानी ऐड कर लिया था ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 बर्तन, तो मेरे पास केक टिन था तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो होगा आप वो ले लीजिएगा। और इसमें हमने डाला है 1 चम्मच रिफाइंड तेल, और अब हम इसे हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा मैदा, जैसे कि हम सेम केक के लिए करते हैं ना, ताकि वो इजीली डिमोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर भी हम सेम वो ही कर रहे हैं। तो मैदे को मैंने चारों तरफ फैला लिया है, और जो ये एक्स्ट्रा मैदा है ना, हम इसे फेंक देंगे। और अब हम यहाँ पर इस बर्तन में जो हमारा मिक्सचर है वो ऐड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा भाई झटपट से ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और हेल्दी तो होगी ना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सब्जियाँ भी इसमें ऐड की हैं। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है, अलग टाइप का एकदम ढोकला है, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। सबसे बड़ी बात है 15 मिनट में बन करके तैयार भी हो जाता है, आप देखेंगे भी बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो हमने यहाँ पर सारा मिक्सचर रख लिया इस बर्तन में, और अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा टैप कर लेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरीके से हाथ से हम कर लेंगे टैप, ताकि वो चारों तरफ ना इवनली फैल जाए। और अब ये हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है तैयार, तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, गैस के ऊपर रखा है एक कढ़ाई, और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही काफ़ी है। तो ये बर्तन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपका बर्तन कितना बड़ा है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये वाला स्टैंड, जो कि हर किसी घर में होता है, इसे मैं केक बनाने के लिए या फिर इस तरह ढोकला वगैरह कुछ भी चीज़ बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे उल्टा करके रखा है, वो इसलिए क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है ना, गहरी, तो इसलिए मैं इसे उल्टा करके यूज़ कर रही हूँ, और पानी को मैं वहाँ तक भर रही हूँ जहाँ तक ये स्टैंड में इजिली पहुँच सके। और अब देखिए मैं यहाँ पर इसके बीचों बीच रख दूंगी ये अपना मिक्सचर वाला बर्तन, और इसे हम बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे, ऐसा ना हो कि ये साइड में हो तो फिर ये ठीक से कुक नहीं होगा ना, इसलिए मैंने इसे बीचों बीच सेंटर में रख लिया है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, फ्लेम को लो से थोड़ी सी ऊंची रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लो से थोड़ी सी ऊंची, और इसे ढक करके रख देंगे कुक होने के लिए नेक्स्ट 15 मिनट के लिए। और अब 15 मिनट बाद ये देखिए कितना सुंदर कलर आया ना, और मैं चेक कर रही हूँ, फर्स्ट क्लास ये बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस को कर लेंगे बंद, और इसे होने देंगे थोड़ा ठंडा, जब भी ठंडा हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर करेंगे इसे डीमोल्ड, यानी बिल्कुल हम इसको अलग करेंगे इस बर्तन से। तो चलिए पहले मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर बना है ना। और अब यहाँ पर ये हो चुका है ठंडा, तो हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। तो हम चाकू ले रहे हैं, और चाकू की हेल्प से हम यहाँ पर इसके कॉर्नर से इसे हटा लेंगे, यानी इसे डिसजॉइंट कर लेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, जेंटली करेंगे, ताकि ये जो है ना टूटे ना, वरना तो भाई मज़ा ख़राब हो जाएगा ना अगर इसकी शेप ख़राब हो गई तो।
और अब हमने थाली में इसे निकाल लिया है और देखिए कितनी इजीली ये डीमोल्ड हो गया है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमने जो घी लगाया था ना इस बर्तन में और ऊपर से मैदा लगाया था तो उसे बिल्कुल भी नहीं चिपका। और ये देखिए हमारा फर्स्ट क्लास सूजी का ढोकला हो चुका है तैयार, है ना कितना आसान इसे बनाना, बहुत ही आसान है। और देखिए कितने प्यारे इसके कॉर्नर्स आए हैं और यहाँ पर देखिए बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगा ना, बहुत ही आसानी से निकल गया। और अब हम करेंगे आगे की तैयारी। हम यहाँ पर रखेंगे एक बर्तन गैस के ऊपर और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, बस इतना काफ़ी है। और अब यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी हो चुका है गर्म, तो हम लेंगे सरसों के दाने और सरसों के दाने हमने ऐड कर लिए, साथ में हमने यहाँ पर कुछ कटी हुई डाल दी हरी मिर्चें। और अब हम इन्हें नेक्स्ट 5-6 सेकंड तक यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। और हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे अब पानी, जो कि मैंने लिया है लगभग 3/4 ग्लास, और यहाँ पर ऐड कर लिया है। और देखिए पानी भी कितने अच्छे से गर्म हो गया ना, उबल रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेज में अब हम ऐड कर लेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच फुल भर करके चीनी। और भाई बहुत ही मज़ेदार सिरप बनता है ये, इस सिरप के बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा ढोकला खाने में। और अब हमें यहाँ पर चीनी को मेल्ट होने देना है, जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम गैस को कर लेंगे बंद। भाई आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है इसे बनाना और आपके घर में ये पक्का मेरी गारंटी है सबको जरूर पसंद आएगी। और कितना आसान है बनाना, सिर्फ 15 मिनट में बन करके तो ये तैयार हो जाते हैं। 15 मिनट में हमारा ढोकला तैयार हो गया और हार्डली 2-3 मिनट में ये सिरप भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है तो मैंने गैस को कर लिया है बंद। और अब मैं यहाँ पर ले लूँ आधा नींबू और आधे नींबू का रस हम यहाँ पर निचोड़ के इसमें ऐड कर लेंगे। और अब सोचिए क्या मज़ा आएगा ना ढोकला खाने में, जब कितना ज़्यादा टेस्टी चटपटा ये सिरप भी हम उसमें ऐड करेंगे, जो कि खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है और मिर्च वाला भी है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे ये सिरप जो कि हमने अभी तैयार किया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, यहाँ पर 2 बार स्पैचुला से डाल लेंगे, बहुत है। और ये क्या होगा ना, इतना सिरप ये जो सूजी का ढोकला है इसे एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, तभी तो खाने में मज़ा भी आएगा ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, बहुत पसंद आता है मेरे घर में सबको। जब कभी भी हमें यहाँ पर छोटी मोटी भूख होती है ना शाम को, तो मैं अक्सर ये बना करके फटाफट से तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि 15 मिनट में तो तैयार हो जाता है, तो भला क्यों ना बनाएं। और इतना हेल्दी भी है क्योंकि हम इसमें सब्जियाँ भी डालते हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना ईजिली ये कट हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है भाई, इतना स्पॉन्जी बना है जैसे एक केक बनता है ना, सेम उसी तरीके से फटाफट से बन करके हमारा ये फर्स्ट क्लास सूजी का ढोकला हो गया है तैयार। तो देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना भाई, दिखने में भी सुंदर लग रहा है, खाने में भी लाजवाब है और साथ में हेल्दी भी बहुत है। और भाई अब तो हमसे रुका नहीं जा रहा, तो हम तो लगे हैं इसे खाने। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा, हो सके तो आप भी इसे जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।